नमस्कार, एक बार फिर से आपका एजुकेशन इंडिया में स्वागत है। बात करने वाले हैं लॉकडाउन 5 के विषय में कि आखिर लॉकडाउन 5 लगेगा या नहीं, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, और अगर बढ़ता है तो कितने दिनों तक बढ़ेगा, कितने हफ्तों तक बढ़ेगा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में लिखिए कि आपके अनुसार लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लॉकडाउन अगर बढ़ना चाहिए तो कितने दिनों तक बढ़ना चाहिए, ये बातें आप कमेंट में लिखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी अगर न्यूज अपडेट्स और विस्तार से न्यूज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। तो लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति देश की खराब है, 170,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बात करी जाए अब अगर एग्जैक्ट आंकड़ों की तो एग्जैक्ट आंकड़ों में 173,763 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 82,369 लोग सही हो चुके हैं। तो अब तक 86,422 एक्टिव केसेज है और 4,971 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। तो परिस्थिति लॉकडाउन के पक्ष में ही है, विपक्ष में नहीं है, यानी कि लॉकडाउन हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की, तो आपको बता दें कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा और कुछ सुझाव रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 13 शहरों में पाबंदी वाला रहने वाला है, यानी कि अगला लॉकडाउन 5 13 शहरों में पाबंदी वाला रहने वाला। ये 13 शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर। ये जो शहर है यहाँ पर लॉकडाउन 5 एकदम पाबंदी वाला रहने वाला, यानी कि सख्ती के साथ आपको इनके नियमों का पालन करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो आपको डंडे पड़ेंगे। फिर तो ये सारे रेड हॉटस्पॉट से, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए, रेड जोन्स के अंतर्गत ये सारे शहर आते हैं जहाँ के रोज आंकड़े सैकड़ों में होते हैं। तो इस प्रकार से ये 13 शहर है जहां पर लॉकडाउन पाबंदी वाला रहने वाला है। आज या कल में सरकार का आदेश भी आ जाएगा और हो सकता है कि आज रात को ही आ जाए। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी का एक नया बयान आज सामने आया। बयान के अनुसार हम अपनी तरफ से जो समझ रहे हैं वो यही है कि हम महामारी के साथ चल सकते हैं लेकिन लॉकडाउन के साथ नहीं। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता और अब हमें इस बीमारी के साथ साथ चलना होगा। इसका भाव आपके मन में कुछ और आ रहा होगा, हमारे मन में कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि ये हर किसी के अंतर्मन के भाव है तो हर किसी के अलग होंगे। तो आप क्या समझते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, जहां पर आपको बताना था कि लॉकडाउन 5 को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट्स आ रही है और आखिर देश की परिस्थिति लॉकडाउन के पक्ष में है या विपक्ष में है। सारी बातें हमने कर ली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।